हेलो क्लास, वेलकम टू एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग एंड दिस इज़ योर नेक्स्ट ट्यूटोरियल इन द सीरीज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 8 एंड इन आवर लास्ट टू लेक्चर्स वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड आउट सब्ट्रैक्शन। लास्ट टू लेक्चर्स से हम सब्ट्रैक्शन सीखते आ रहे हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन विद बोरो, ठीक है। बोरो मतलब उधार लेना, ठीक है। जैसे आप कभी स्कूल में पेंसिल नहीं लाते तो पेंसिल बोरो करते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम कुछ बोरो करेंगे। क्या करेंगे? नंबर बोरो करेंगे, ठीक है। लास्ट टू क्लासेस में जो हमने सब्ट्रैक्शन लिया है उसमें क्या होता था, ऊपर बड़ा नंबर होता था और नीचे छोटा नंबर होता था। अब उल्टा है, ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है। तो हमें ये सीखना है कि जब ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो तब हम माइनस कैसे करें। क्योंकि आपके पास सपोज़ 3 पेंसिल हैं, 3 पेंसिल आपके पास है ही 3 पेंसिल, तो आप 8 पेंसिल कैसे दोगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपके पास 3 नंबर्स में है तो आप उसमें से 8 माइनस कैसे कर सकते हो। छोटे में से बड़ा हम माइनस नहीं कर सकते। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले अब आपको ये चीज़ जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ध्यान देने को बोली थी कि आपको ये देखना है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है या छोटा है। ऊपर वाला नंबर यहाँ पे छोटा है क्योंकि 3 जो है काउंटिंग में 8 से पहले आता है, और हमें पता है जो पहले आता है वो छोटा होता है काउंटिंग में, जो बाद में आता है वो बड़ा, ब से बाद में, ब से बड़ा। तो 8 3 से बड़ा हुआ, तो 3 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, 3 में से आप 8 चीज़ें दे ही नहीं सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 3 जो है 7 को बोलता है, अपने पड़ोसी को, कि मुझे प्लीज़ अपना एक टेंस दे दो। क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा है कि राइट वाला जो नंबर होता है वो किस में आता है, वंस में, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला किस में आता है, टेंस में। प्लेसेस जो भी बड़ी क्लास वाले हैं 5th 6th 7th वाले उन्हें पता है वंस, टेंस, 100 1000, ठीक है। प्लेस वैल्यू आप सभी ने पढ़ रखी है, सेकंड क्लास ने भी, थर्ड क्लास ने भी वंस और टेंस पढ़ रखा है, ठीक है। तो वंस और टेंस, तो ये जो टेंस वाले नंबर है 7 और 4, ये अपने अंदर से टेंस ही दे सकते हैं, ठीक है। टेंस मतलब 10 देते हैं। एक्चुअली समझाने के लिए हम बोलते हैं कि 3 जो है, अभी हम सीखेंगे 3 कैसे 13 बन जाएगा, ठीक है। तो जिसको ये प्रोसेस जनरल नॉलेज के लिए जो बड़ी क्लास वाले उन्हें पता होना चाहिए ये प्रोसेस कैसे होती है। तो 3 क्या करता है, 7 को बोलता है कि मुझे अपने अंदर से एक 1 10 दे दो, ठीक है, 1 10s दे दो। तो ये 7 में से 1 हम समझने के लिए यहाँ 6 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, 7 ये एक्चुअली 73 होता है, क्योंकि 73 का मतलब है 7 की जो प्लेस वैल्यू है 70 और 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 3, क्योंकि ये तो वंस का ही है, 3 × 1, और ये क्या है, 7 × 10, 70, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो 73 का मतलब होता है 70 + 3, 70 + 3 इज इक्वल्स टू 73। तो 3 जब 7 से 1 मांगता है तो वो 1 मतलब 10 मांगता है, क्या मांगता है, 10, तभी तो 10 + 3 = 13 होता है, ठीक है। 0 + 3 = 3, 1 का 1। तो 70 ने क्या किया, अपने अंदर से एक 10 दे दिया, मतलब 70 में से 10 माइनस हो गया, तो 0 में से 0 गया 0 और 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। तो एक्चुअल में ये चीज़ सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए कि 7 जो है अपने अंदर से क्या देता है, 10, तब जाके 3 क्या बनता है, 13। और जिनको सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है उनको ये समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो 60 और 13 मिलके भी 73 ही होते हैं, पहले भी 73 थे अभी भी 73 ही रहते हैं, लेकिन बस 7 में से क्या हो जाता है, 70 में से 10 माइनस हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, 7, क्योंकि 3 में से 8 नहीं जा सकता। 3 ने क्या कहा 7 को, कि मुझे आपका एक 1 दो, तो ये तो टेंस वाली रिजिट है, तो 7 कहेगा मैं 7 नहीं हूँ, मैं 70 हूँ, क्या हूँ, 70 हूँ, तो मैं 1 नहीं दे सकता, मैं 10 दे सकता हूँ, कम से कम 10 दे सकता हूँ। तो 10 ये उसको देता है, ठीक है। 7 में से जब 1 चला जाता है तो हम ऊपर क्या लिख देते हैं, 6, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, 60 होता है, लेकिन हम लिखते क्या है, शो क्या करते हैं, 6। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही ये वंस और टेंस ना भी बनाए होमवर्क में तो चलेगा, एग्ज़ाम में भी आपको बस 7 को काट के यहाँ पे 6 ऊपर लिखना होता है, ठीक है। और
क्योंकि सेवन ने अपना वन दे दिया, वन मतलब 10 दे दिया, तो ये 10 किसको दिया है, 3 को, तो 3 में क्या प्लस होगा, 10, तो ये 3 क्या बन जाएगा, 13, तो इस 3 को हम क्या बना देते हैं, 13। तो इसलिए आप जब भी सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं बोरो वाले, तो टीचर जब आपको पढ़ाता है तो वो क्या कर देता है, 3 को क्या कर देता है, 13, और 7 को क्या कर देता है, एक माइनस, 7 में से ये 7 है, 7 में से अगर एक गया तो कितना बचा, 5 और 6, ठीक है, तो 7 में से 1 गया 6। तो शॉर्ट में आपको इतना सा समझना है, जिसको ये चीज़ नहीं भी समझ में आई कोई बात नहीं, आपको बस शॉर्ट में इतना सा समझना है कि जब छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता है तो हम सिर्फ उसको काट के 3 के आगे 1 लगा देते हैं, तो 3 13 बन जाता है, अगर 2 होता तो 12 बन जाता, 1 होता तो 11 बन जाता, 0 होता तो 10 बन जाता, ठीक है, 4 होता तो 14, 5 होता तो 15, एंड सो ऑन, ठीक है। और जो उसके पड़ोसी होता है, जो उसका नेबर होता है, उससे क्या हो जाता है, 1 माइनस, तो 7 से पहले जो काउंटिंग में आता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 फिर 7, तो 7 से पहले क्या काउंटिंग में आता है, 6, तो हम 6 लिख देते हैं, 7 में से एक माइनस कर देते हैं, उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और 3 को काट के क्या कर देते हैं, 13। बस इतना करने के बाद हमारी पूरी प्रोसेस जो अब लास्ट क्लास में हमने सीखी है बिल्कुल वैसा ही करना होता है। अब 13 हो गया ये, अब ये 3 क्या बन गया, 13, तो हमें पता है 13 में से 8 माइनस करना है, तो हम काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं, नीचे वाले के बाद से, और कहाँ तक बोलनी है इस बार हमें, 13 तक, ऊपर वाला जो नंबर, क्योंकि अब ये 3 नहीं रहा है, अब ये क्या बन गया है, 13, ये 13 बन गया है, ठीक है। तो अब हम काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 8 के बाद से, सो 8 के बाद क्या आता है, 9, 10, 11, ठीक है, 12 एंड 13, 13 पे रुक जाना है हमको, क्योंकि हमें कहाँ तक काउंट करना था, सिर्फ 13 तक, 13 कहाँ पे आया, यहाँ पे बस, और फिर हम जैसे सब्ट्रैक्शन करते आए हैं ये लाइंस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया हमारा आंसर 5, ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आया, 5। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखिए, अब ये 7 नहीं रहा, ये क्या बन गया है, 6, इसलिए हम 6 में से ही 4 माइनस करेंगे, तो 6 4 से बड़ा है क्योंकि काउंटिंग में बाद में आता है, तो 6 में से 4 माइनस करना है, मतलब 4 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, और कहाँ तक बोलनी है हमें, 6 तक, तो 4 के बाद क्या आता है, 5 एंड 6, आ गया 6 यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हुई, 1 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 माइनस 4 2, तो टोटल आंसर कितना है हमारा, 25। तो बस बोरो वाले में आपको यही चीज़, माइनस में आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर वाला जो डिजिट होना चाहिए वो नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए, अगर वो छोटा है तो आपको क्या करना है, बोरो करना है, किससे, पास वाले से, पड़ोसी से, नेबर से हेल्प लेनी है, ठीक है। तो आज सारे क्वेश्चंस हम बोरो वाले ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन माइनस हम पीछे से करते हैं, 6 छोटा है 9 से, ठीक है, आपके पास 6 मैंगोज़ हैं, उसमें से आप 9 कैसे दोगे, आपके पास है ही 6, तो 6 तो छोटा है, 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 6 क्या बोलेगा, 3 को मुझे 1 दे दो, तो 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, तो ये 2 हमने कहाँ लिख दिया, सबसे पहले 3 के ऊपर, ताकि हमको पता रहे इस 2 में से अब हमें लास्ट में 1 माइनस करना होगा, और ये 6 क्या बन जाएगा, अब 6 बन जाएगा 16, ठीक है, सिंपल, आपको कट करके 6 के पहले 1 लिखना है, यहाँ पे 3 के पहले 1 लिखा था 13, यहाँ पे 6 के पहले 1 लिखा 16, और ये चीज़ कैसे होती है ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर क्विक स्टेप्स व्हाट वी डू, हम बस इसको कट करके 16 लिख देते हैं, और इसमें से एक माइनस करके ऊपर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर से हमें जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, नीचे वाले के बाद से, कहाँ तक, जो ऊपर वाला नंबर है वहाँ तक, तो 9 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, तो आपको सभी को ऐसे हैंड खोलने हैं अपने, 9 के बाद क्या आता है, 10, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, आ गया 16, 16 तक की काउंटिंग बोलनी थी, तो टोटल कितना हुआ हमारा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो 16 माइनस 9 हमारा कितना आ गया, 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब ये 3 नहीं रहा है, ठीक है, अब जो हमें माइनस करना है वो कितने में से करना है, 2 में से, 2 में से 1 माइनस करना है, ठीक है, 2 में से 1 माइनस
करेंगे तो कितना आएगा, टू में से वन गया, कितना बचा, ओनली वन, सो आंसर विल बी वन। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे मिस्टेक भी कर सकते हैं जिसमें आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो 16 बना देते हैं लेकिन इसको कट करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, है ना। एग्ज़ाम में भी कई बार आप ऐसे मिस्टेक करते हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जिस समय आप बोरो ले रहे हैं तो इन दोनों की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पहले आपको पूरी करनी है, उसके बाद माइनस पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 को काट के 2 बनाइए और फिर 6 को काट के 16 बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम फॉर्मेशन बन रहा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाले को बड़ा बनाना है, ठीक है, नहीं तो माइनस नहीं हो सकता, 2 में से 8 नहीं जा सकता। तो क्या करेगा, 2 क्या बोलेगा 5 को, 2 के पास में अभी कौन है, 5, 2 5 को बोलेगा प्लीज़ गिव मी वन, वन मतलब 1 10, ठीक है। तो 5 जो है अगर 2 को 1 देगा तो उससे पहले 5 क्या बन जाएगा, 4, तभी तो 1 देगा इसको, ठीक है। तो 5 में से 1 गया 4, 1 2 3 4, ठीक है। और 2 क्या बन जाएगा, 12, ठीक है, 2 के पहले बस 1 लगा दिया हमने तो क्या बन गया, 12। 6 क्या बन जाता है, 16। 3 क्या बन गया था, 13। सिमिलरली 2 क्या बन गया हमारा, 12। बस एक बार हमने फॉर्मेलिटी कर दी, उसके बाद हमें वही हमारा जो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है वही लगाना है। काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, नीचे वाले के जस्ट बाद से, मतलब 8 के जस्ट बाद कौन आता है, 9, तो 9 से बोलनी है और कहाँ तक बोलनी है, 12 तक। तो 9 10 11 12, और फिर हमें लाइंस काउंट करनी है, 12 तक की काउंटिंग बोलनी थी, 12 कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई हमारी, 4। तो 12 - 8 कितना आया हमारा, 4, ठीक है। इसका पेयर सॉल्व हो गया, अब कौन सा पेयर बचा है, 4 और 3 का। 5 में से 3 माइनस नहीं करना है, ये 5 अब क्या बन गया है, 4, तो 4 में से 3 माइनस करना है, ये हमारा 4, इसमें से कितने गए, 1 2 3, तो कितना बचा, 1, 4 में से 3 गया 1, तो टोटल आंसर कितना आया, 14। अगर हमारी जो लाइन वाली मेथड है उससे करेंगे तो भी यही आएगा, 3 के जस्ट बाद क्या आता है, काउंटिंग कहाँ से बोलनी थी, 3 के बाद से, 3 के बाद क्या आता है, 4, और 4 तक की बोलनी थी तो केवल एक ही लाइन काउंट होगी, 4 यहीं आ गया, 4 फर्स्ट लाइन पे, तो ओनली 1, तो आंसर कितना आया हमारा, 14, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगेन सेम फॉर्मेशन बन रहा है, देखिए 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 अब किससे बोरो करेगा, 4 से, ठीक है। तो अगर 4 से वो 1 बोरो करेगा तो 4 के पास कितना रह जाएगा, 3, ठीक है। 4 से 1 ले लिया, 4 से 1 ले लिया, तो 4 के पास कितना बचा, 1 2 3, ठीक है। और 1 कितना हो जाएगा, 11। बस इसके पहले ये नंबर ऐसे कैसे लिख देते हैं, 2 ऐसे कैसे लिख दिया, पहले 1 लगा दिया, 6 ऐसे कैसे लिख दिया, पहले 1 लगा दिया, 1 ऐसे कैसे लिख दिया, उसके पहले 1 लगा दिया, तो ये 11 बन गया। तो कुल मिला के अब हमें 11 में से 7 माइनस करना है, ठीक है। 7 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे, नीचे वाले के बाद से कहाँ तक, ऊपर वाले तक। तो 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10 एंड 11, 11 तक की काउंटिंग बोलनी थी हमें, 11 कहाँ पे आया सभी का, यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी हो गई हमारी लाइंस, 1 2 3 एंड 4, सो 11 - 7 = 4। और अब ये क्या बन गया, नेक्स्ट पेयर हमारा 3 और 3, ठीक है, मतलब 3 में से 3 माइनस हो गया, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है, और हमने लास्ट क्लास से हम सीखते आ रहे हैं 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। आपके पास 3 पेंसिल्स थी, 3 की 3 ले ली गई तो कितनी बची, 0, तो हमारा टोटल आंसर कितना आया, 4। तो बोरो वाले क्वेश्चंस में हमें बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट में कंसेप्ट क्या होता है वो हमने यहाँ पे समझा था, और शॉर्ट में हमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी कि 3 क्या बन जाता है, 13, और इसमें से एक कम हो जाता है, 6 16 बन जाता है, 2 12 बन जाता है, 1 11 बन जाता है, 0 होता तो 10 बन जाता, 4 होता तो 14 बन जाता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ योर होमवर्क, जो आपको रात को 9 बजे से पहले सॉल्व करके और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। बोरो वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जिनको आते भी हैं फिर भी वो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कई बार आप गलती करते हैं,
और जिनको बिल्कुल भी बोरो वाला सब्ट्रैक्शन नहीं आता है वो इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए और इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको जो है स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे रात को 9 बजे से पहले व्हाट्सएप करना है। इन नेक्स्ट क्लास अगेन वील टेक सम बोरो क्वेश्चंस ओनली। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू।